कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में भोपाल के विधि प्रकोष्ठ और मानवाधिकार आयोग संबंधी सम्मेलन का बृहद रूप से आयोजन किया गया। जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष अमित शुक्ला ने बताया कि सम्मेलन में कांग्रेस ने आगामी चुनाव में अपनी रणनीति पर चर्चा कर अधिवक्ताओं से जुड़े कानून और आम जन को मिलने वाली सहायता और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। वहीं कटनी से कांग्रेस नेता और जिला बार अध्यक्ष अमित शुक्ला के नेतृत्व में 50 सदस्यीय टीम भोपाल रवाना हुई, जो भोपाल में आयोजित सम्मेलन में भाग लेगी। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा और इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और समूचे जिले से आए विधि के जानकार अधिवक्ताओं से चर्चा कर आगामी चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा किए जाने की बात कही है। कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम? हम लोग जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यगण विधि एवं मानव अधिकार विभाग के कार्यक्रम में भोपाल सम्मिलित होने जा रहे हैं। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कल एक आवश्यक मीटिंग पूरे मध्य प्रदेश के अधिवक्ता साथियों की है, जिसमें हमारे आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय विवेक तनखा जी। कमेटी के आह्वान पर अधिवक्ताओं के द्वारा एक बृहद सम्मेलन प्रदेश स्तरीय किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले से लगभग 10,000 अधिवक्ता साथी उपस्थित होंगे, जिसमें प्रमुख रूप से अधिवक्ताओं के हित में उनका मेडिक्लेम एवं अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के सरकार पर दबाव बनाना और आने वाले निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को विजय बनाना, प्रदेश और तरक्की और खुशहाली के लिए समस्त अधिवक्तागण लामबंद है। कल प्रदेश में चुनाव के आगाज के लिए